Hello students, welcome to iExamB. This is Sonal Saklani. And for all the DSSBSO horticulture students, जिनको अभी syllabus मिल चुका है, syllabus पूरा elaborated आ चुका है DSSB का. Second question जो अब आया है वो है कि कहाँ से पढ़ें. इतना सारा syllabus तो दे दिया, लेकिन उस चीज़ के लिए हम preparation कहाँ से करें, ये students के मन में doubt है. तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से रिसोर्सेज हैं, कौन से ऐसे फ्री रिसोर्सेज हैं जहाँ से आप पढ़ सकते हैं, और कौन से ऐसे पेड सोर्सेज हैं जहाँ से आप गाइडेंस के साथ साथ पढ़ सकते हैं. ठीक है, तो पहले तो हम देख लेते हैं कि क्या क्या इसमें हमारे सब्जेक्ट्स थे और क्या क्या इसमें टॉपिक्स हैं, क्योंकि सिलेबस को थरली पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है. किसी भी एग्जामिनेशन के लिए पढ़ने से पहले एग्जामिनेशन को पढ़ना इम्पॉर्टेंट होता है. तो सिलेबस, एक तो एग्जामिनेशन पैटर्न और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, ये चीज़ आप पहले गो थ्रू कर लें, उसके बाद ही प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए. ठीक है, सो एग्रोनॉमी जैसे यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो एग्रोनॉमी सब्जेक्ट में क्या क्या हमारे पास है, एग्रीकल्चर हेरिटेज के बारे में. ठीक है, इंडियन एग्रीकल्चर हेरिटेज क्या क्या यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी, क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, फार्मिंग सिस्टम, प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, रेनफेड एंड वीड मैनेजमेंट. सो ये सारे आपके एग्रोनॉमी के टॉपिक्स हैं. अब आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आप उठा के देखेंगे तो वहाँ पर किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे. क्वेश्चन था एक कि क्यूर्क्यूमिन जो होता है वो कौन से हमारे प्लांट से निकलता है. सो ईजी क्वेश्चन, टर्मरिक से निकलता है. इसी तरह के ना बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन, अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखेंगे बहुत फैक्चुअल क्वेश्चंस वहाँ पर पूछे गए हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस नहीं हैं. ठीक है, अगर आप पेपर देखेंगे उठा करके तो आपको ये एनालाइज आप वहाँ से कर सकते हैं. इसी तरह से हम सॉइल साइंस में अगर देखें तो सॉइल साइंस में भी आपको ऐसे ही टॉपिक्स दिए गए हैं, और टॉपिक्स से किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे अब वो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के पैटर्न से आप ये एनालाइज कर सकते हैं. फंडामेंटल्स ऑफ सॉइल साइंस, सॉइल साइंस में बेसिकली क्या होता है, किस तरह, कौन सी इसकी दो ब्रांचेज होती हैं, उनमें सॉइल फॉर्मेशन कैसे होता है, प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स क्या होती हैं, प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स के जो फीचर्स हैं वो आपको याद करने की ज़रूरत है. तो ये सारा आपका सिलेबस है एग्रोनॉमी. मेजर मेजर इसमें जो सब्जेक्ट्स हैं आपके एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, फिर हॉर्टिकल्चर, प्लांट पैथोलॉजी, ठीक है, एंटोमोलॉजी, जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, इकोनॉमिक एक्सटेंशन, और उसके अलावा अदर सब्जेक्ट्स आपके यहाँ पर दे रखे हैं जो कि एक एक पॉइंट्स में आपको दे रखा है. अब कहाँ से पढ़ें ये, तो पढ़ने के लिए जो सबसे अच्छा रिसोर्स होता है वो होती है हमारी बुक्स, सबसे ज़्यादा रिलायबल. ठीक है, तो मेजरली जो आपका अरुण कात्यायन की बुक्स हैं दो वॉल्यूम, उसमें आपका एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, एक्सटेंशन एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, ये सारे सब्जेक्ट्स यहाँ से आपके दो वॉल्यूम से कवर हो सकते हैं अगर आप ठीक से फैक्चुअल डेटा वगैरह पढ़ेंगे. ठीक है, इसके अलावा एग्रीकल्चर एट ग्लैंस है, ये आर के शर्मा की बुक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए अगर आप एग्रोनॉमी में थोड़ा और डीप जाना चाहते हैं. ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है एक आध जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं वो कुछ ही स्टूडेंट्स को आते हैं जिन्होंने थोड़ा डीप में पढ़ा होता है, और स्टूडेंट्स उसमें लैग कर जाते हैं, और वहीं पर आपका कट ऑफ जो होती है वो डिसाइडिंग फैक्टर हो जाती है. तो अगर आपको थोड़ा डीप में पढ़ना है, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं बोलूँगी क्योंकि ये JRF के स्टूडेंट्स के लिए मेनली बुक है, पर आपको थोड़ा अगर डीप में जाना है तो एग्रोनॉमी फैक्ट्स फॉर कॉम्पिटिशन्स ये आप पढ़ सकते हैं. इसके अलावा हॉर्टिकल्चर तो ऑफकोर्स इंपॉर्टेंट है ही, हॉर्टिकल्चर का एग्जामिनेशन है तो हॉर्टिकल्चर के भी यहाँ पर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस थे, प्लांट फिजियोलॉजी के क्वेश्चंस थे. तो हॉर्टिकल्चर आप फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर से पढ़ सकते हैं जितेंद्र सिंह की, और जेनेटिक्स के लिए फुंदन सिंह की बुक. ठीक है, इंसेक्ट आप पढ़ सकते हैं फॉर कवरिंग योर एंटोमोलॉजी का पोर्शन, एंड प्लांट पैथोलॉजी फॉर योर प्लांट पैथोलॉजी का अगर आपको सिलेबस कंप्लीट करना है. ठीक है, इसके अलावा प्लांट फिजियोलॉजी इंपॉर्टेंट है, फिजियोलॉजी या फिर आप बॉटनी भी कह सकते हो, इसमें ऑलमोस्ट सारा कवर है क्योंकि आपके टिश्यूज वगैरह से भी क्वेश्चंस आते हैं वहाँ पर. ठीक है, तो क्वेश्चन उसमें क्लासिफिकेशन से भी आ रखा था, लाइक लास्ट टाइम आपसे पूछा गया था कि आरएच विटेकर का जो क्लासिफिकेशन है वो उसने कब दिया था. ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो आपके प्लांट फिजियोलॉजी की, ये भी बहुत मैं कहूँगी कि डेप्थ में आपको इसमें दिया गया है इस बुक में, तो आपको ये अब ये आपको खुद जज करना है कि कितना चीज़ें आपको इसमें से पढ़नी है. पूरी बुक तो आप नहीं पढ़ पाओगे ये,
बहुत मोटी सी बुक है, लेकिन उसमें से जो मेजर मेजर से पॉइंट्स हैं वो आपको इसमें से एक्सट्रैक्ट करके, अब देखिए जब भी आपको सेल्फ स्टडी करनी होती है ना, तो बहुत ज़रूरी है कि आपका माइंड बिल्कुल क्लियर रहे कि क्या क्या टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने हैं, ठीक है। तो वही आप इसमें से टॉपिक्स देख सकते हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर सोशल साइंसेस के लिए, यानी कि आपका इकोनॉमिक्स और एक्सटेंशन के लिए ये बुक है आपकी, और सॉइल फर्टिलिटी एंड फर्टिलाइजर, सॉइल साइंस के लिए फर्टिलिटी एंड फर्टिलाइजर्स, दिस इज़ वन ऑफ दी बेस्ट बुक दैट यू कैन रेफर टू। अगर कहीं पर भी आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए ना, तो ये बुक आप रेफर कर सकते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगी कि आप बहुत ज़्यादा डेप्थ में ना जाएँ, क्योंकि क्वेश्चन पेपर का अगर आप देखेंगे तो फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा हैं। इसके अलावा यूट्यूब पर आप के पास बहुत सारा रिसोर्स है, बहुत सारा रिसोर्स अवेलेबल है। ये जो हमने सीरीज़ चला रखी है स्पेशली फॉर DSSB SO हॉर्टिकल्चर, जिसमें हम 10 मिनट्स में आपको शॉर्ट टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। अभी इसमें हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा क्वेश्चंस के लिए टॉप 500 की सीरीज़ है, इसका पूरा प्लेलिस्ट बन रखा है, ये भी आप रेफ़र कर सकते हैं। अब ये तो हो गए आपके सारे जो फ्री रिसोर्सेज हैं जो कि आप फ्री में अवेल कर सकते हैं। बुक्स आप हो सकता है कुछ खरीद लें, कुछ आपको कहीं भी आप लाइब्रेरी, अगर किसी भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, तो आपको लाइब्रेरी में जाके वो सारी बुक्स मिल जाएंगी। और ये ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं, ये सारे आपके ऑनलाइन हैं। और यहाँ पर आपको बहुत क्रिटिकली देखना है कि कौन सी चीज़ आपको पढ़नी है, कौन सी चीज़ आपको स्किप करनी है, टाइम उसमें वेस्ट नहीं करना है। सेकेंड आता है आपके लिए गाइडेड, ठीक है। सो गाइडेड जो रिसोर्सेज होते हैं वो आपको मिलेंगे कोर्स में। कैसे मिलेंगे? कोर्स में आप एनरोल कर सकते हैं, यहाँ पर आपको प्रॉपर वही नोट्स दिए जाएंगे जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट हैं, जिस पे क्वेश्चंस आए हैं एग्जामिनेशन में, उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर हमने सारे नोट्स प्रिपेयर किए हैं, तो ये आप अवेल कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आपको वीडियो लेक्चर्स और लाइव क्लासेस भी मिलेंगी, जहाँ पर आप डाउट क्लियर कर सकते हो अपना, ठीक है। तो ये आप अवेल कर सकते हैं साइट पे जाके, और जल्दी से जल्दी आप इसमें एनरोल करवाइए, ताकि जल्दी से जल्दी आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सके, ठीक है। और भी अगर आपको कोई डाउट क्वेरी हो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।